आज करेंगे। ओके, यह भी एक्सरसाइज पिछली तीन एक्सरसाइजों की तरह ही है, इनमें भी क्यूब्स और क्यूब रूट्स ही फाइंड आउट करने हैं, जिसमें कुछ डेसिमल नंबर्स भी आ सकते हैं, तो ये भी डिफरेंट एक्सरसाइज नहीं है, बिल्कुल इजी है, इसको समझिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी करिए। ओके, अब हम लोग एक्सरसाइज देखें। एक्सरसाइज का है फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। क्यूब्स आप लोगों ने पिछले एक्सरसाइज में भी क्यूब फाइंड आउट किया है, चाहे वो नेगेटिव नंबर्स हो, इंटीजर्स हो, या इंटीजर्स हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, क्यूब्स और क्यूब रूट्स पीछे के एक्सरसाइजेस में फाइंड किया है, निकाला हुआ है, जस्ट लाइक सेम तरह की एक्सरसाइज ये भी है। ओके, तो इसने दिया है कि फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। क्वेश्चन नंबर 1 इज फाइंड द क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग इतना ही दिया है, जिसे फर्स्ट पार्ट गिवन है। क्या गिवन है? 2/3। वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट्स, क्यूब ऑफ 2/3। ओके, पावर 3, क्यूब्स मींस पावर 3। ओके, क्या करेंगे आप? 2/3 इंटू 2/3 इंटू 2/3, जानते हैं 2 × 2 × 2 न्यूमरेटर का मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में कर लेते हैं, 8/27। बस इसी तरह के हर एक पार्ट है, कुछ मिक्स फ्रैक्शन में दिए हैं उनका दे दीजिए, -4 होल 1/2। नेक्स्ट है इट्स द पार्ट ऑफ फिफ्थ पार्ट। ओके, इन्होंने क्वेश्चन में प्रिंटिंग गलत लिख दिया है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फिर से प्रिंट कर दिया, बट इट इज फिफ्थ पार्ट, सेकंड रो में फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया, बट इट इज फिफ्थ पार्ट, -4 होल 1/2। देखिए इसमें फिफ्थ पार्ट इज -4 होल 1/2 क्यूब, राइट, इट इज द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट है, वी हैव टू फाइंड द क्यूब्स फिफ्थ पार्ट ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1, इट इज गिवन -4 होल 1/2 क्यूब। ओके, इसको प्योर फ्रैक्शन में बदलिए, 4 × 2 = 8, 2 × 4 = 8 एंड 1 = 9, -9/2 क्यूब। ओके, -9/2 इंटू -9/2 इंटू -9/2। ओके, मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 9 का आप जानते हैं 729 डिवाइडेड बाई, और नेगेटिव का है कि माइनस आ जाएगा इसका, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर माइनस एंड 2 × 2 × 2 = 8। ओके, फिर इसे डिवाइड कर दीजिए, कैसे, 9 से डिवाइड करिए 8 से, 8 × 9 = 72 0 9 8 × 1 = 8 1, यू कैन राइट इट -91 होल 1/8। ओके, तो इस तरह से हम लोगों ने -4 होल 1/2 का क्यूबिक फाइंड आउट कर दिया। ओके, नाउ एक पार्ट और इसका देख लीजिए, लास्ट, यस, दीज आर द अदर पार्ट्स आर एग्जैक्टली सिमिलर, यू कैन सॉल्व अदर पार्ट्स ऑफ द क्वेश्चन नंबर 1। ओके, एंड नाउ सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द क्यूब्स ऑफ, एंड डेसिमल नंबर्स आर गिवन एंड वी हैव टू फाइंड द क्यूब्स ऑफ दोस डेसिमल नंबर्स, क्यूब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्यूब्स ही फाइंड आउट करना है, इसमें भी क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड क्यूब्स ऑफ द फॉलोइंग। अब इस क्वेश्चन में डेसिमल नंबर्स आर गिवन, ओम की क्यूब्स निकालने हैं, फर्स्ट पार्ट है 0.4 क्यूब। ओके, यू नो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 0.4 इनटू 0.4 इनटू 0.4। ओके, 4 × 4 = 16, आप जानते हैं कि जब हम 0.04 को 0.04 से या 0.4 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 डेसिमल कितने जो इसका टू प्लेस में ये हो जाए 0.16 इनटू 0.4, फिर से 0.4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × 6 = 24। ओके, 4 × 4 एंड 8 डेसिमल कितने प्लेस पे, देखिए 4 × 6 = 24, 4 × 6 आ जाएगा, डेसिमल कितने प्लेस पे, 1 2 3, ये कितना गया
0.06। ओके, इस तरह से डेसिमल नंबर्स के हम लोग क्यूब फाइंड आउट करेंगे, राइट। इसको अन्य तरीके से भी इसको डेसिमल को कन्वर्ट कर लीजिए फ्रैक्शन में तो भी कर सकते हैं, बस इसी तरह से कर लेंगे। नेक्स्ट डेसिमल जैसे दिया है 1.01, एक और पार्ट देख लीजिए, सेकंड पार्ट, वी हैव टू फाइंड 1.01 क्यूब। इट मींस 1.01 इनटू 1.01 इनटू 1.01, क्या करना है, पहले इनका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 1.01 इनटू 1.01, 1 0 1 0 0 0 1 0 1, ऐड कर दीजिए 1 0 2 0। ओके, कितना आगे देखिए, डेसिमल कितने प्लेस पे, 4 प्लेस पे, 1 2 3 4 1.020। ओके, 1.0201, फिर मल्टीप्लाई किसमें करना है, 1.01 से फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए। ओके, 1.0201 इनटू 1.01, फिर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 0 2 0 by 0 0 0 0 0। नेक्स्ट देखिए 1 0 2 0 1, ऐड कर दीजिए 1 0 3 0 3 0 1, डेसिमल कितने प्लेस पे, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 1.03 0301। तो इस तरह से डेसिमल नंबर्स का क्यूब करना है। यू कैन फाइंड आल्सो अदर पार्ट्स, ओके, यू कैन फाइंड क्यूब्स ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 2। ओके, कर लेंगे, डेसिमल नंबर्स हैं उनके क्यूब्स फाइंड आउट करने हैं। ओके, डेसिमल प्लेसेस की काउंटिंग जरूर ध्यान रखेंगे। ओके, उस हिसाब से शुरू करेंगे। Now question number 3, find the cube roots of the following. Fraction numbers are given, decimal numbers are given, and you have to find the cube roots of the given fractional numbers, or you can say decimal numbers. Okay, हम को decimal numbers के cubes find out करने हैं. Question number 3, find cube roots of the following. यानि क्या find out करना है? Cube roots. Cube roots means we have to find first part, cube roots of 64 by 27. Okay, इसको आप ये समझिए कि अगर इस तरह का कोई है cubic of a by b, तो हम लोग इसको अलग अलग कर सकते हैं, cubic of cube roots of a divided by cube roots of b, ऐसा कर सकते हैं। Okay, यदि कोई फ्रैक्शनल है तो न्यूमरेटर का अलग क्यूब और डिनोमिनेटर का अलग क्यूब कर सकते हैं। ओके, तो देखिए यहां से क्यूब रूट्स ऑफ 64 एंड क्यूब रूट्स ऑफ 27। ओके, 64 का क्यूब रूट्स आपको रटा होगा, ओके, जो कि 4 होता है, और 27 का भी होता है, अगर नहीं ध्यान है तो फैक्टर्स से आप ग्रुपिंग करके भी निकाल सकते हैं, आपने मेथड सीखा होगा, राइट। तो एक पार्ट और बता दें इसका, क्यूब रूट्स में कोई भी ले लेते हैं, सेकंड पार्ट है जैसे क्यूब रूट्स ऑफ -1/260। ओके, वी कैन राइट इट क्यूब रूट्स ऑफ -1/(-1) क्यूब रूट्स ऑफ 260। इसका भी क्यूब रूट्स आप जानते हैं, नीचे का 6 होता है, -1 का नेगेटिव है तो -1 आएगा, 1 का 1 होता है, -1 का -1 हो जाएगा और इसका 6, इट मींस क्यूब रूट्स ऑफ इट इज -1/6। ओके, चलिए इसका एक और पार्ट बता देते हैं जिससे और ज्यादा क्लियरेंस हो जाए, बट बहुत इजी है, सो इजी। ओके, -8 अपन सब जानते हैं, आप फिफ्थ पार्ट देखें या कोई भी पार्ट इसको करें कर सकते हैं, इसमें थर्ड पार्ट क्यूबिक रूट ऑफ -8/3।
343। ऐसे ही क्यूब्स हैं जो आप ऑलरेडी जानते हैं, वी कैन राइट इट क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 8 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट्स ऑफ 343। ओके, चाहे तो यहीं पे फैक्टर भी कर सकते हैं सर, ये किस तरह से, देखिए क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 8, माइनस का माइनस हो जाएगा, 8 का कितना होता है 2, यहाँ देखिए इसका, ओके क्यूब रूट्स ऑफ 343, अच्छी तरह आपको आता है ये। ओके सर, तो माइनस 2 अपॉन 7, आप चाहे तो इसको इस तरह भी कर सकते हैं, देखिए बता दें, और यू कैन सॉल्व इट एज, ऐसे भी कर सकते हैं क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 8 अपॉन 343, ओके क्यूब रूट्स ऑफ माइनस 2 इंटू माइनस 2 इंटू माइनस 2, यू कैन राइट इट माइनस 8, ओके अपॉन 343, 7 इंटू 7, ओके इंटू 7, ऐसे भी कर सकते हैं, ऊपर से कितना आ गया माइनस 2 और नीचे के ग्रुप से कितना आ गया 7, माइनस 2 अपॉन 7, ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके ऐसे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, इसमें कंफ्यूजन की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना है माइनस 8 अपॉन 343, आप इसे ऐसे लिख सकते हैं, माइनस 8 का माइनस का नेगेटिव होता है, बाहर कर लीजिए, 8 बचा अपॉन 343, इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस बाहर है, 8 का 2 इंटू 2 इंटू 2, और यहाँ से 7 इंटू 7 इंटू 7, कितना आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 7, ऐसे भी कर सकते हैं, सभी सही है। ओके कहीं प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कैसे भी कर लीजिए कोई प्रॉब्लम। ओके नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ, फाइंड द क्यूब रूट्स ऑफ द फॉलोइंग। ओके फर्स्ट पार्ट इज गिवन 0.008। क्वेश्चन नंबर 4 के जितने भी पार्ट दिए हैं उसमें डेसिमल प्लेस 3 प्लेस के हैं, लास्ट से आप गिनिए, तो उसमें देयर आर 3 प्लेसेस और 6 प्लेसेस, ओके 3 और 6 प्लेसेस, तो 3 प्लेस हो तो अपॉन 1000 कर लेते हैं, डेसिमल हट जाता है, 6 प्लेस हैं तो उसमें 1 बना के 60 बना देंगे तो डेसिमल हट जाएगा, तो फोर्थ क्वेश्चन जिस हिसाब से दिया है उसी तरह से सॉल्व करना है, वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट्स ऑफ दिस नंबर। ओके क्यूब रूट्स, यू कैन राइट, देखिए 3 प्लेसेस हटाए डेसिमल, इट कैन बी रिटन एज 8/1000, राइट। अब सिंपली क्या करिए, इसका प्राइम फैक्टर्स ना निकालिए, यू नो इट, क्यूबिक रूट ऑफ 2 इंटू 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 10 इंटू 10, ग्रुप बन गया, देखिए 1 ग्रुप से लीजिए, यहां से देखिए 10 ग्रुप से एक डिजिट ले लिया, राइट, 1 डिजिट फ्रॉम इस ग्रुप ऑफ 3, 3 के ग्रुप से एक डिजिट लेते हैं 2/10, और 10 से इसका डिवाइड करने पर आप जानते हैं 0.2, तो इसका क्यूबिक रूट 0.2। ओके इसके अदर पार्ट्स भी देखिए और क्लियर हो जाए। ओके 6 डिजिट का एक देखते हैं, जस्ट लाइक सेकंड पार्ट, फोर्थ का सेकंड क्या दिया है, देखिए क्यूबिक रूट ऑफ 0.0000027, 6 प्लेस है इसके, देखिए 1 2 3 4 5 6, इट कैन बी रिटन एज क्यूबिक रूट ऑफ 27 डिवाइडेड बाई कितने प्लेसेस है, 6 प्लेसेस, 1 2 3 4 5 6, राइट, वी कैन राइट इट क्यूबिक रूट ऑफ 3 × 3 × 3 डिवाइडेड बाई कितने 6 टाइम्स है 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10 × 10, 1 ग्रुप 2, राइट, यहां से देखिए 1 डिजिट फ्रॉम ईच ग्रुप 3, 10 इंटू 10 मीन्स 3 अपॉन 100, 100 से डिवाइड करते हैं, जानते हैं 2 प्लस 0.03,
it is the required 0.03 is the required fuel rules of this thing. Okay, तो इस तरह से फोर्थ पार्ट को सॉल्व करना है. Now fifth question, we see the solution of question number 5. It is given if x cube is equal to 802.357 find the value of x. इस तरह का क्वेश्चन एक पिछली एक्सरसाइज में भी आया था कि इफ x क्यूब इज गिवन एंड इफ वी हैव टू फाइंड x, वी हैव टू कंप्लीट क्यूबिक रूट. x क्यूब की वैल्यू ये दी है, टू फाइंड x वी हैव टू फाइंड क्यूब रूट ऑफ दिस. ओके, इसका क्यूब रूट फाइंड करना है और थ्री डेसिमल प्लेसेस भी हैं. ओके, थोड़ा सा लेंथी होगी, आएगी, देखते हैं क्या आता है. x क्यूब इज इक्वल टू, सिंस x क्यूब इज इक्वल टू 804.357, therefore x is equal to cubic root of 804.357. Okay, now you can write it. अभी क्वेश्चन को फोर नहीं किया था. We can write it cubic root of 804.357 divided by कितने places आया? 3 places. Okay, now we have to find फैक्टर्स. ऊपर के फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन और नीचे का क्यूबिक रूट ऊपर का निकालना. फोर में सीख चुके हैं और इसका 10 × 10 × 10 आ जाएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 804.357. ओके, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन देखते हैं. 804.357 देखिए किससे कैंसिल हो रहा है. थ्री से डिवाइड हो जाएगा. देखिए 3 × 2 = 6, 3 × 6 = 18, 2 × 0 बचेगा, 2 × 4 = 38, 24, 3 × 1 = 39, फिर 3 से कैंसिल होना चाहिए, 3 × 8 = 24, 3 × 9 = 27. ओके, 1 × 1 = 3, 3 × 9, 2 × 1 = 37, 3 × 3 = अगेन बाय 3, 3 × 2 = 6, 2 × 2 = 29, 27, 2 × 3 = 21, 2 × 7 = 39, 3. ओके, अब इसको देखना है कैसे कैंसिल होगा. अब ये किसका फैक्टराइजेशन है ये ध्यान रखना है कि किसका प्राइम नंबर 4, 5, 6, 7 से देख लीजिए, नहीं होगा 7 से, 8, 9, ये ऐसा है इसका प्राइम फैक्टराइजेशन. क्या करेंगे, 31, जो कि आप जानते हैं 31 इज द प्राइम नंबर. ओके, तो 31 से जाके डिवाइड होगा. आप चेक करेंगे 3 से, तो यहाँ हमने कर दिया, 3 से नहीं हो रहा है, 4 से डिवाइजेबल हो नहीं सकता है क्योंकि लास्ट डिजिट 4 से, लास्ट 2 डिजिट 4 से कैंसिल होनी चाहिए. ओके, 5 से 0, 5 होने चाहिए, 6, 7, 8, 9, 11, 13, जो भी प्राइम नंबर्स हैं 13 के बाद आप आइए 17, 17 से भी 19 से नहीं हो रहा है, 23 से नहीं होगा. ओके, जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं जाके 31 से होगा, ये ध्यान रखना है. तो 31 से इसको डिवाइड करिए. जब आप 31 से इसको डिवाइड करेंगे तो देखिए कितना आता है, यहाँ 961 आएगा. फिर से 31 से डिवाइड कीजिए, 39 एंड देन. ओके, और इसका 10 × 10 लिख देंगे तो जो फैक्टर्स आए हमें देखिए क्या मिले,
क्यूबिक रूट ऑफ 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 31 इंटू 31 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 10 इंटू इंटू 10 इंटू 10। आप 1000 को 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, 10 इंटू 10 इंटू 10 लिख सकते हैं, राइट। वैसे अगर प्राइम फैक्टराइजेशन निकालेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 आएगा, बोथ और सेम। ओके, सो राइट वन डिजिट फ्रॉम ईच ग्रुप, 3 इंटू 31 डिवाइडेड बाई 10, 93 अपॉन 10, 10 से डिवाइड करेंगे कितना आ जाएगा 94। ओके, इसके प्राइम फैक्टराइजेशन में ध्यान रखिए, 41 बाद में दिमाग में जाता है। ओके, यू शुड रिमेंबर दैट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 6-1, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। ओके, क्या गिवन है, इवेल्युएट, इवेल्युएट इवेल्युएट फर्स्ट पार्ट इज क्यूबिक रूट ऑफ 166375 डिवाइडेड बाई 681472। यू कैन फाइंड आल्सो दिस, प्राइम फैक्टराइजेशन इसके भी निकालने होंगे, इसके भी निकालने जानते हैं इसको। ओके, तो इसी तरह के अदर पार्ट्स भी होंगे। अगर इफ थ्री क्यूबिक रूट्स आर गिवन, फाइंड देम सेपरेटली, चाहे आप इसको सेपरेटली निकालें या कंबाइंड इसी तरह से फैक्टर कर लें जैसे अभी बताया था, बोथ आर सेम, तो इन दोनों के प्राइम फैक्टराइजेशन निकालने होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल 166375, 5 से 5 3 जा 15, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10, ओके, 37, 5 7 जा 35, 5 5, ओके, नाउ अगेन बाय 5, 5 6 जा 30, 3 2, 5 6 जा 30, 2 7, 5 5 जा 25, 5 5 जा 25, 5 1 जा, 5 3 जा, 5 3 जा, 5 1 जा, यू नो, फिर से फैक्टराइजेशन 11, 121, 11, 11, 11, again find out factors of this, 6, 8, 1, 4, 7, 2, 2, 3, 2, 4, 0, 2, 7, 2, 3, 2, 6, 2, 1, 2, 7, 0, 2, 3, 2, 6, 2, 8, 2, 8, 16, 2, 5, 10, 2, 1, 2, 8, 2, 4, 2, 4, 8, 2, 2, 4, 2, 5, 10, 2, 4, 8, 2, 2, 4, 1, 1, 2, 5, 10, 1, 8, 2, 9, 18, 2, 2, 4, 2, 2, 4, 2, 1, 2, 2, 4, 2, 9, 18, 2, 6, 12, 2, 1, 2, 6, 2, 4, 2, 8, again by 2, 2, 5, 10, 2, 3, 2, 2, 2, 4, again by 2, 2, 2, 4, 2, 6, 12, 2, 6, 12, 2, 2, 4, फिर से 2 सेकंड से कर लीजिए, यहां हम निकालते रहे हैं। टू वन जा, टू थ्री जा, टू थ्री जा, टू वन जा, आप जानते हैं 11 से होगा, 11, 21, 11, 11, 11, ओके, अब देखिए पहले इसका, therefore, पढ़े इसमें, बिल्कुल एक्सरसाइज को एक ही तरह ही आप इसमें फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे, therefore, क्यूबिक रूट ऑफ 166375 अपॉन 681472 इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ, इनके फैक्टर्स पहले
in 1 cubic, you can write 7 into 7 into 7. Okay? Now make groups. 1 group, 2. Into 5 ka bhi group ban raha hai, dekhiye. 1, 2, 3, 5, 7 ka group. 7 divided by 7, niche se aaya, iska group bhi tayar ho raha hai, isko aap cancel kar dijiye, it's the 10. Okay, aisa bhi kar sakte. Ek alag alag find out kar, isko alag alag bhi kar sakte the, aur humne combine kar diya, aise bhi kar sakte. Okay, no problems. You can solve it, okay. 490, 700 एक पास लाइए, ये चाहे आप अलग अलग रखिए या मैंने कंबाइंड कर दिया, नीचे भी लिखते हैं ऐसे भी लिख सकते थे, ऊपर की प्राइम फैक्टर से नीचे जो था वो क्यूब रूट ऑफ 7 इनटू 7 इनटू 7 ऐसे भी कर सकते थे, ऊपर का फैक्टर है नीचे, नो प्रॉब्लम. ओके, तो आप इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर लेंगे, ये भी चैप्टर फिनिश हो गया. एंड नाउ यू हैव टू प्रिपेयर दिस चैप्टर ऑल्सो, आप अच्छी तरह से इस चैप्टर को तैयार करिए. जो भी चैप्टर्स हो चुके हैं अभी तक, मैंने और चैप्टर कंप्लीट करा दिया है, आप लोगों को इसे तैयार करना चाहिए. ओके, अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे. टिल देन बाय.